सावन के पहले सोमवार को शहर से लेकर देहात तक शिवालय हर हर महादेव के जयघोष से गुंजायन रहा। शिव भक्तों में एक दूसरे से पहले भोले शंकर को जलाभिषेक करने की होड़ मची रही। लोटे में भांग, धतूरा, बेलपत्र और फूल भरे श्रद्धालु पूजा अर्चना में लीन रहे। झारखंडी महादेव मंदिर में भी हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही थी। झारखंडी महादेव मंदिर पर लंबी लंबी लाइन में लोग अपनी बारी आने पर जलाभिषेक कर रहे थे। मंदिरों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सावन के पहले सोमवार को जलाभिषेक के लिए मंदिर प्रशासन के साथ जिला प्रशासन सतर्क रहा, लेकिन उससे ज़्यादा सतर्क जलाभिषेक करने वाले रहे। मंदिरों पर भोर में ही पहुँचे श्रद्धालु लाइन में लग गए। किसी प्रकार की धक्का मुक्की के बजाय सभी अपनी बारी का इंतज़ार करते रहे। नंबर आने पर वह जलाभिषेक कर रहे थे। पुरुष व महिलाओं की अलग अलग लाइनें मंदिरों पर लगी रहीं। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए शिवभक्त प्रियंका, नीलू तिवारी, वंशिका सिंह, निर्मला मिश्रा, वंदना जायसवाल, स्वीटी जायसवाल, माया मिश्रा, गुड़िया तिवारी, शशि प्रकाश तिवारी ने कहा। बहुत बोले शंकर भगवान की जय। जाइए जाइए सब ही रहे सब भगवान पूरा बगल से ही आए हैं और हम लोग पूरी फैमिली के साथ आए हैं और सुबह से ही लाइन लगी हुई है। हम लोग कतार में खड़े थे, अभी जस्ट ही हम लोग बाहर निकल रहे हैं और मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। जी मेरा नाम प्रियंका,
जी हम लोग यहाँ आगे सिंघड़िया है, हम लोग वहाँ से आए हैं। जी हम लोग यहाँ पहले सोमवार को लाइन काफ़ी लंबा नहीं लगा है क्योंकि पहले आ गए हैं, तो इसलिए हम लोग जल चढ़ा के हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हुआ। जल में क्या चढ़ाएंगे? बेलपत्र चढ़ाए हैं, धतूरा चढ़ाए हैं, फूल माला चढ़ाए हैं, अच्छा चढ़ाए हैं, शहद चढ़ाए हैं, सब कुछ चढ़ाए हैं और भगवान से यही मांगे हैं कि हमेशा हमारा जोड़ा बनाए रहे। निर्मला मिश्रा, सोमवार है, हम लोग पूरा फैमिली साथ आए हैं और लंबी लाइन लगी हुई है, हम लोग कतार में खड़े हुए हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने आ गए हैं, दर्शन अच्छा से हो रहा है। जय भोलेनाथ। नीलू तिवारी, हम लोग यही सिंघड़िया से आए हैं। झारखंडी का महत्व यही है कि भोलेनाथ यहाँ के बहुत पूजा है, वो आस्था है यहाँ का, हम लोग की बहुत आस्था बनी हुई है। सचिव प्रकाश तिवारी, सावन का पहला दिन हम लोग का है और सब बहुत दूर से लोग आए हैं शंकर जी के स्थान पर और श्रद्धा के साथ पूर्वक हम लोग शंकर जी से प्रार्थना हम लोग किए हैं कि भजन स्वस्थ रहें, जीवन का कामना है। बहुत अच्छे। वंदना जायसवाल, हम बाईपास सुबह बाजार से, वहाँ व्रत सबको रखना चाहिए, हम लोग अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, इसके लिए व्रत हमेशा रखना चाहिए। ये शंकर जी के और पार्वती जी का व्रत है, बहुत ही अच्छा व्रत है, सबको करना चाहिए, हम लोग अपने पति के श्रद्धा के लिए करते हैं। स्वीटी जैसा, हम लोग खोरावार से हैं, सावन का पर्व बहुत ही अच्छा माना जाता है, हम लोग व्रत व्रत रखते हैं इसलिए यहाँ पे आते हैं पूजा के दर्शन के लिए आए हैं। हाँ दर्शन हो गया, भीड़ तो बहुत था लेकिन फिर भी हम लोग पूजा कर लिए हैं। माया मिश्रा, मोदीपुर से। हाँ बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छा प्रकार से हो गया है। हाँ नाम है गुड़िया तिवारी, हम आए हैं रुस्तमपुर। आज भोलेनाथ का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है, सोमवार दिन है, पहला सोमवार है, इसलिए हम लोग बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ भोलेनाथ के शरण में आए हैं, भोलेनाथ हमारे दुख को दूर करें। पंडित राकेश मशास्त्री, देखिए क्या है, ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, दो ढाई साल पुराना। ये झारखंड बाबा हैं, यहाँ जो भी सोमवार के दिन आता है मनोकामना पूर्ण होती है, लोग दूध द्वारा, कुश द्वारा, मधु द्वारा, दुबा के रस द्वारा सब लोग अभिषेक करते हैं, औरतें बच्चियाँ जो हैं सब लोग महिलाएं व्रत रहती हैं सोमवार के, भगवान शिव जो है अपने गाला ससुराल में गए, उसी पर्व में बहुत सावन महीना मनाया जाता है। हाँ यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ गाला 1 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक रहती है और यहाँ बहुत भीड़ होती है, मनोकामना सबकी पूर्ण होती है। बहुत दूर दूर से आते हैं, पूरे गोरखपुर मंडल से आते हैं, कोई बस्ती से आता है, कोई कहीं से आता है, जिसकी मनोकामना पूर्ण हुई है वहाँ से लोग यहाँ आते जाते हैं। विशेष महत्व यही है भगवान शिव के लिए, बेलपत्र, भांग, धतूरा सब चीज़ यहाँ लोग चाहते हैं, मन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लोग दूर दूर से आते हैं। देखिए भंडारा भी यहाँ चल रहा है, चाय बना करके पिला रहे हैं लोग, सब काला पे सेवा में लगे हुए हैं।